नाज़रीन अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुकद्दस में इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाहा अला कुल्ली शैइन कदीर, यानी बेशक अल्लाह तआला हर मुमकिन चीज पर कादिर है, वो जो चाहता है कर सकता है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको ऐसे इंसान और ऐसे जानवरों की तस्वीरें दिखाएंगे जिसका इस दुनिया में जिंदा रहना बहुत मुश्किल है, और साथ ही साथ हम आपको एक ऐसे इंसान से मुलाकात करवाएंगे जिसका आधा जिस्म इंसानों की तरह है और आधा जानवरों जैसा है, लेकिन अल्लाह तआला ने अपनी कुदरत से उसे जिंदा है। दोस्तों, कई दफा हमारी नजरों के सामने कई ऐसी चीजें भी आ जाती हैं जो हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि इस दुनिया में कई अनोखे रंग हमें देखने को मिलते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने कई ऐसे अनोखे लोगों को जिंदा रखा है जिसे देखकर हम हैरान हो जाते हैं। दिन और रात में न जाने कई मर्तबा कुदरत की ऐसी चीजें देखते हैं जो हम कभी भी सोच नहीं सकते, और कुदरत के ये मनाजिर हमारा पूरा ध्यान अपनी तरफ खींच लेते हैं। हम हर रोज कुछ न कुछ ऐसी चीजें देखते हैं जिसका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते, और हम उन चीजों को देखकर सोच में पड़ जाते हैं। और अभी भी कुदरत के कुछ ऐसे मनाजिर हैं जो अभी हमें देखना बाकी है, और न जाने कितने ऐसे नज़ारे हैं जो शायद हमें कभी नजर ना आए, जो हमारी आंखों से छुपे हुए हैं। दोस्तों, अब आप इस वीडियो को गौर से देखें और सुने। जी हाँ, तो 47 ईयर्स हो गए, और शुरू से बचपन से ही ऐसी कि यही कमरे में रहती हूँ, ये मेरा घर है। अच्छा, लोगों की तरह नॉर्मल इंसान है और वो अफ्रीका में रहती है। तो आपकी फैमिली में कितने लोग? आप फैमिली के मेरे यहाँ पे 47 ईयर्स हो चुके हैं, मेरे आने के बाद फैमिली में कितनी तादाद बढ़ी है मैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई हो, तो दिल से लाइक करते हुए दोस्तों अहबाब को शेयर जरूर कर दें, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ऐसे ही लेटेस्ट वीडियोस बर वक्त पाने के लिए। फिर आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।